वन विभाग में पूर्व में भी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है, उसमें बोरसू जंगल में कटान, अवैध कटान का मामला हो, या चंबा में जो है बहुत बड़े अवैध कटान का मामला हो, लेकिन यहाँ पे जो बात सामने आई है तत्परता दिखाते हुए विभाग ने तुरंत जो उस पर कार्यवाही की है। और ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये कोई एक दिन की बात नहीं थी, ये अगर दो साल के अंदर ये लॉट निकल रहा है तो इसकी मार्किंग जो हुई थी, जो इसका जो वहां पे जो काउंटिंग होती है, इन्यूमरेशन होती है, वो पूर्व सरकार के वक्त में ही हुई थी। और ये जंगल का काम कोई एक साल के अंदर नहीं, ये एक प्लान के तहत जंगलों के काम चलते हैं। पूर्व सरकार में इसकी गणना हुई, पूर्व सरकार के बाद जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ है उसके बाद ये लिस्ट सबमिट हुई है। तो लिस्ट कोई एक दिन में तो बनी नहीं है, लिस्ट बनने में 6 महीने लग जाते हैं। जंगलों का दौरा होता है, जॉइंट इंस्पेक्शन होती है, जो है वहां जाकर उसकी काउंटिंग होती है, लिस्टें बनी है। तो ये पूर्व में सरकार की वक्त में ये सब काम शुरुआत हुआ था। हाँ, इतना जरूर है, हम बिल्कुल इस बात के खिलाफ है कि कोई भी ऐसे काम नहीं होने चाहिए और बिल्कुल भी किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जो भी दोषी होगा। लेकिन जो लोग आज हल्ला मचा रहे हैं उनको इस बात का स्मरण करना चाहिए कि उस जंगल को वर्किंग प्लान में उनकी सरकार ने डाला था, उस जंगल में जो लिस्टें बनी थी वो उनके सरकार की वक्त बनी थी। ऐसे में वो भी जो अगर किसी जंगल में, अगर मुझे पता चला कि लगभग 900 के लगभग पेड़ वहां पे मार्क हुए हैं, और 900 के पेड़ में से लगभग 10-15 पेड़ों का जो बताया जा रहा है कि जो अभी तक संदेह के घेरे में है, जिन्हें कहा जा सकता कि वो लिस्ट में नहीं थे। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, ये कोई ऐसा नहीं था कि अवैध कटान इस टाइप से हो रहा है कि कोई व्यक्ति उसको घर ले जा रहा है, वो एक सरकारी कॉरपोरेशन का लॉट है, लकड़ी कॉरपोरेशन के डिपो में आनी थी। ये जरूर है कि अगर कुछ ग्रीन फेलिंग वहां पे हुई है उस पे कार्यवाही होगी, और जो है बिल्कुल जो कानून के तहत होना चाहिए सबसे बेहतर उस पे एक्शन लिया जाएगा, कोई किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इसमें पूर्व की सरकार, पूर्व वक्त का प्रशासन भी उतना ही दोषी है जितना वर्तमान का है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज हिमाचल.के।